अक्टूबर 2008 में बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम टाइटल से एक पेपर पब्लिश किया गया था, जिसमें दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी में से एक के क्रिएशन की अनाउंसमेंट की गई। ये पेपर बिटकॉइन के इनोवेटर सतोशी नाकामोटो ने लिखी थी। इसके बाद नाकामोटो ने बिटकॉइन टॉक नाम का एक मैसेज बोर्ड बनाया और लिखा कि मैंने बिटकॉइन नाम का एक नया ओपन सोर्स पी टू पी ई कैश सिस्टम डेवलप किया है, यह बिना किसी सेंट्रल सर्वर या ट्रस्टेड पार्टीज के पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि सब कुछ ट्रस्ट के बजाय क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पर बेस्ड है। गिव इट ए ट्राई। ऑब्वियसली लोगों ने ऐसा किया, लेकिन सातोशी नाकामोटो कौन है ये कोई नहीं जानता। इस एलियस के पीछे कम से कम एक रियल पर्सन है, क्योंकि किसी ने बिटकॉइन के लिए कोड लिखा था, इसके बारे में एक पेपर पब्लिश किया था, ईमेल भेजे थे और नई डिजिटल करेंसी के बारे में फोरम पोस्ट किए थे। लेकिन इससे परे नाकामोटो की पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी ने लोगों को स्कैम किया है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी की प्रॉमिस की गई एनोनिमिटी केवल उन लोगों के लिए अपीलिंग नहीं जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर डाउट करते हैं, ये क्रिमिनल खतरनाक लोगों के लिए भी एक यूजफुल टूल है जो बैंकिंग सिस्टम्स को बाईपास करना चाहते हैं और एनोनिमसली पैसा मूव करना चाहते हैं। ये डीलर और यूजर्स लॉ इन्फोर्समेंट की निगरानी से बचते हुए इंटरनेट पर ड्रग्स और यहाँ तक कि डार्क और इलीगल गुड्स खरीदते और बेचते हैं। ये काम करता है क्योंकि ऑल दो सभी ट्रांजेक्शन को ट्रैक और रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन किसी इंसान को उनकी क्रिप्टो की से जोड़ने वाली कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये नंबर्स और लेटर्स का एक रैंडम हैश है जो शायद ही किसी भी जानकारी को रिप्रेजेंट करता है। इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल आतंकवादियों और ड्रग डीलर्स को नफेरियस गेम सिल्क रोड के लिए टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने का मौका दिया है। डार्क वेब पर सबसे फेमस ऑनलाइन ड्रग मार्केट्स में से एक ने अपने ट्रांजेक्शंस के लिए क्रिप्टो का यूज किया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कम से कम 3 टेरर फाइनेंस कंपनीज को भी डिमेंटल्ड कर दिया है जो क्रिप्टो करेंसी फंड की मांग कर रहे थे। क्रिप्टो करेंसी के बढ़ने से ग्लोबल रेसमेवियर अटैक्स में ग्रोथ हुई है, जिसमें रिसेंट ईयर्स में से 485% इंक्रीज हुआ है। 2021 में FBI ने ईवल रेसमेवर ग्रुप से $2.3 मिलियन वर्थ की क्रिप्टो करेंसी सीज की, जिसने अमेरिकी सिक्योरिटी और IT मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कासिया को हैक कर लिया था। ये साइबर हैकर न केवल पेमेंट के रूप में क्रिप्टो की मांग करते हैं, बल्कि क्रिप्टो उनके पूरे बिजनेस को पॉसिबल बनाता है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं जिन्हें उनकी निगरानी करनी पड़ती है। ऑनलाइन क्रिप्टो स्कैम्स लोगों को धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो फंड या नकली क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पिछले फरवरी में बिटकनेक्ट के फाउंडर भारत के सतीश कंबानी पर अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाने और चलाने का आरोप लगाया था। सिंगापुर के मॉनेटरी अथॉरिटी ने वर्ल्ड फेमस साउथ कोरियन बॉय बैंड BTS के नाम पर और नेटफ्लिक्स के कोरियन हिट स्क्विड गेम की सफलता के बाद इलीगल नेम्ड एक क्रिप्टो कॉइन को सस्पेंड कर दिया। स्कैमर्स ने नकली क्रिप्टो कॉइन्स बनाने के लिए सीरीज की पॉपुलरिटी का यूज किया। कॉइन्स की वैल्यू केवल 11 दिनों में 3,10,000 तक पहुंच गई, जो अपीलिंग लगता है। हालांकि कैच ये है कि ये कॉइन हनीपॉट के नाम से जाना जाता था। एसेंशियली लोग इसे खरीद तो सकते थे, लेकिन बेच नहीं सकते थे। इस वजह से लोगों ने इस स्क्विड गेम कॉइन के लिए अपने डॉलर का ट्रेड किया और स्कैमर्स अनविटिंग इन्वेस्टर्स से लाखों कैश लेकर भाग गए और उन्हें एक टोकन छोड़ दिया जिसे बेचा नहीं जा सका और जो लिटरली वर्थलेस है। कई थर्ड पार्टी बैक्ड इंस्टीट्यूशन से आपको ऐसी प्रोटेक्शंस मिलती है जो क्रिप्टो प्रोवाइड नहीं करता, तो आमतौर पर आपका अपना पैसा वापस मिल जाएगा क्योंकि आपके बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। क्रिप्टो के पास वो प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए जब हैकर्स को आपकी प्राइवेट कीज तक एक्सेस मिलती है या फेक कॉइन खरीदने के लिए स्कैम्ड हो जाते हैं या फ्रॉडोलेंट वाले एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमेशा के लिए चले जाता है। 2021 में क्रिप्टो में 3.2 बिलियन की चोरी की रिपोर्ट मिली थी, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 516 गुना ज्यादा है। NFT एक तरह से एक खेल बन गया है कि कौन सबसे पहले बिलीवेबल झूठ बोल सकता है। एक बार ये बताया गया था कि व्हाइट हेयर्ड ग्रीन आईड वाला पिक्सेलेट कैरेक्टर वाला क्रिप्टो पंक 9998 नाम का NFT 532 मिलियन में बेचा गया था। इसे अब तक का सबसे महंगा NFT कहा गया था, जब तक ये पता नहीं चल गया कि बायर और सेलर एक ही इंसान थे जो अपने बेनिफिट्स के लिए फेक वैल्यूएशन बना रहे थे। क्रिप्टो वर्ल्ड में क्योंकि बायर और सेलर ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से एनोनिमस रहते हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन में शामिल वॉलेट नॉन होते हैं, लेकिन उसे कौन ऑन करता है ये अननोन नहीं है। NFT आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्कैम्स में उलझे हुए हैं
फरवरी 2022 में एक छोटे लेकिन रेपुटेबल एनएफटी मार्केटप्लेस को प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड का पता चलने के बाद सेल सस्पेंड करना पड़ा। मार्केटप्लेस के बैन करने के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद इसके यूजर्स नकली डिजिटल एसेट्स बना रहे थे। ये क्रिप्टो आर्ट की ऑथेंटिकिटी से जुड़े इश्यूज का सिर्फ एक एग्जांपल है और क्रिप्टो में सबसे पॉपुलर कहावतों में से एक को रीइंफोर्स करता है, डोंट ट्रस्ट वेरीफाई। पूरी तरह से पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ आप ये इंश्योर करने के लिए अपने हर एक ट्रांजेक्शन की चेकिंग करने में पूरी तरह से कैपेबल हैं कि आप जो खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल क्रिएटर से आ रहा है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली कई लोग क्रिप्टो करेंसी को इम्पोर्टेंट बनाने वाले क्रूशल पार्ट को भूल जाते हैं। एक और एग्जांपल में किसी ने नकली बैंक्सी एनएफटी को $3,00,000 से ज्यादा में बेचा था। मई 2022 में स्कैमर्स ने लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया और उनके फॉलोअर्स से $438,000 वर्थ की क्रिप्टो और एनएफटी चुरा ली। उन्होंने लुई विटन के साथ डिजिटल आर्ट की एक नई लाइन शुरू करने का दावा करने वाले आर्टिस्ट को इम्पर्सोनेट किया और फेक कलेक्शन के लिए एक रेफल पोस्ट किया। उनके ट्विटर बायो में हैकर्स ने फिशिंग स्कैम का यूज करके लोगों को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील करने या अनजाने में मेलवेयर इंस्टॉल करने के लिए डिसीव किया। जैसे ही लोगों ने उस बायो के लिंक पर क्लिक किया, उनके वॉलेट में सभी मौजूद क्रिप्टो और एनएफटी पूरी तरह से साफ हो गए। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के रिसेंट कलप्स में क्रिप्टो यूनिवर्स की फ्रेगिलिटी क्लियरली एविडेंट थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया कि बिटकॉइन माइनिंग पूरे अर्जेंटीना देश के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा था। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस यूज कार्बन फुटप्रिंट ने लोगों को अलर्ट कर दिया है, स्पेशली उन लोगों को जो क्लाइमेट चेंज में क्रिप्टो के बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन की सस्टेनेबिलिटी की परवाह करते हैं। हालांकि कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस का अनुमान है कि बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को फैसिलिट करने और नेटवर्क को रनिंग रखने के लिए हर साल 100 टेरावाट हावर से ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। इन रियलिटी ये एक साल में सोने के माइनिंग के लिए यूज की जाने वाली एनर्जी से कम एनर्जी है। इनफैक्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एनुअलाइज्ड बेसिस पर इस अमाउंट से 10 गुना ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। अगर बिटकॉइन एनर्जी यूज के मामले में एक देश होता तो ये कैम्ब्रिज सेंटर के ट्रैक किए गए 59 में से 32 रैंक पर होता। हालांकि बिटकॉइन माइनिंग में काफी एनर्जी का यूज होता है, लेकिन यह इस फ्रंट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम से दूर है। क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पर इसका असर पड़ेगा। ये क्रिप्टो के प्रोवाइड की जाने वाली एनोनिमिटी के लिए लोगों की कंटिन्यूड डिजायर पर डिपेंड करता है। वो एनोनिमिटी जो आपको किसी के साथ एनोनिमसली ट्रांजेक्शन करना अलाउ करता है, ये वही एनोनिमिटी है जो क्रिमिनल्स को रैम्पेंट होने और स्कैमर्स को लाखों लेकर भागने देता है। अगर आप इसमें शामिल होने जा रहे हैं तो स्कैम से सावधान रहें, अपने कीज खुद होल्ड करें और याद रखें कि दुनिया भर में वेरीफाइड गवर्नमेंट्स पर भरोसा न करें इससे पहले कि ये उनके मिश्योर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए इस पर ध्यान देना जारी रखें। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत धीमी स्पीड से आगे बढ़ती है, जबकि टेक्नोलॉजी स्पेशली क्रिप्टो उस ब्रेकनेक को आगे बढ़ाती है। स्पीड टेक्नोलॉजी अमेजिंग हो सकती है, लेकिन जब क्रिएटर्स अपनी क्रिएशन की पोटेंशियल नेगेटिविटीज को रोकने के लिए मेजर्स नहीं करते तो वो बहुत बैड सिचुएशन में रह सकते हैं। तो दोस्तों, आपके बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोच है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।